मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत में आज काफी बेहतरी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अकबरुद्दीन ओवैसी का वेंटिलेटर निकाल दिया गया है, खादिम मुकर्रना होश में है और आज उन्होंने अपना इफ्तिराद खानदान से बातचीत भी की है। केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से आज सुबह अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत से मुतालिक जो बुलेटिन जारी किया गया है उसमें उनकी सेहत में काफी बेहतरी बताई गई है। डॉक्टर्स ने अपने बुलेटिन में बताया कि खादिम मुकर्रना को लगाया गया वेंटिलेटर निकाल दिया गया है। खादिम मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इयादत के लिए आज भी कई सियासी कायदीन, उलमा, मुशायखीन के अलावा कई मौजूदीन केयर हॉस्पिटल पहुंचे और अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर हुए शाम चंद्रबाबू नायडू, प्रजाराज्यम के सरबराह चिरंजीवी और सदर असेंबली श्रीनिवास यादव ने भी केयर हॉस्पिटल पहुंचकर खादिम मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इयादत की। डॉक्टर्स की जानिब से जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि जो आर्जी तौर पर जो वेंटिलेटर लगाया गया था तनफ्फुस निजाम के लिए वो निकाल दिया गया है और अपने तौर से खादिम मुकर्रना सांस ले सकते हैं। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने केयर हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए खादिम मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि शहर